साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके आए प्रधानमंत्री क्या खुद को बादशाह समझने लगे हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और स्वांता सुखाए तक तो ठीक था, लेकिन इतना भी क्या कैमरा जी भी होना कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक मूल्यों को भी तार तार कर दें। दरअसल आगामी 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, इसी पर पूरा विवाद छिड़ गया है। उद्घाटन की तारीख 28 मई ही क्यों? मेरा भी दिमाग इस बात पर खटका था कि मोदी पार्ट वन ने 26 मई को शपथ ली थी, मोदी पार्ट टू ने 30 मई को शपथ ली, तो फिर 28 मई ही तारीख क्यों चुनी गई? इसको लेकर विपक्ष और जागरूक लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रातः स्मरणीय और शिखर पुरुष सावरकर का जन्म 28 मई को हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करने की तारीख नियत की है। सावरकर वही जिन्होंने जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों के सामने कई बार माफी वाले पत्र लिखे, इसलिए उनको माफी वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। हालिया तौर पर सावरकर का नाम तब चर्चा में आया था जब बताया गया था कि सावरकर जेल से बुलबुल के पंखों पर बैठ करके बाहर निकल आते थे। खैर, 28 मई की तारीख क्यों नियत की गई ये अलग सवाल है। कोरोना के समय में जब पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रोजेक्ट के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ ये अलग पहलू है, लेकिन महत्वपूर्ण बात वो है जो कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष उठा रहा है कि आखिर संसद भवन का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री क्यों करेगा, राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगा। जब विपक्ष के इस आरोप पर नेशनल जनमत ने पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि देश के सर्वोच्च सदन यानी कि संसद का संवैधानिक नजरिए से प्रधान होता है देश का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति ही संसद का प्रमुख होता है, राज्यसभा और लोकसभा का। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का नेता होता है, ना कि राज्यसभा का। प्रधानमंत्री विपक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रपति विपक्ष, सदन, सत्ता पक्ष, लोकसभा, राज्यसभा सबका प्रतिनिधित्व करता है। संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और संसद के किसी भी सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का ही अभिभाषण होता है। वैसे भी संवैधानिक ढांचे में संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति, दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा को माना जाता है, ना कि प्रधानमंत्री को। जिस समय अभिभाषण हो रहा होता है उस समय राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ही आगे खड़े होते हैं, विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में बैठे होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करने का संवैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित विधेयक तब कानून बनता है जब उसमें राष्ट्रपति की मोहर लगती है। अभी तक सवाल उठाए जाते थे कि देश में राष्ट्रपति जैसे पद की कोई जरूरत नहीं है, महज फिजूल खर्ची है, राष्ट्रपति का पद रबर स्टाम्प की तरह बन करके रह गया है। कुछ दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी सवाल उठाए थे कि राष्ट्रपति से किसको मिलना है किसको नहीं, ये पीएमओ तय करता है। मगर अब सीधे सीधे मोदी सरकार का कदम बताता है कि वास्तव में उसकी नजर में राष्ट्रपति का काम इतना रह गया है कि जब किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए तो उसकी जाति बताई जाए कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया है, फिर राष्ट्रपति बनाया जाए तो फिर से बताया जाए कि हमने देश को आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया है। अगर वास्तव में इस पद के प्रति सरकार में इतना ही सम्मान है, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र का इतना ही ख्याल है, तो राष्ट्रपति से ये उद्घाटन करना उचित प्रतीत होता है। इसलिए राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष जो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रपति पद का अपमान कर रहे हैं, यह उचित प्रतीत होता है। वैसे तो संपूर्ण विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं, मगर भाकपा के महासचिव डी राजा ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है। जब मोदी जी की बात होती है तो खुद की छवि और कैमरों के प्रति जुनून शालीनता तथा मानदंडों पर हावी हो जाता है। बहरहाल नेशन जनमत ने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए। अब जरा सोचिए 28 मई ही तारीख क्यों रखी गई? क्या प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना उचित है या राष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल करके महज मंदिर तक जाने तक सीमित है? जब राष्ट्रपति बनाते समय ढिंढोरा पीटा जाता है कि देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला है, तो क्यों नहीं जब संसद भवन की शुरुआत की जा रही थी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, उस समारोह में भी उनको नहीं बुलाया गया था, तब भी सवाल उठे थे। अब जब संसद भवन का उद्घाटन होना है उसमें भी मौजूदा राष्ट्रपति को ना बुलाना न सिर्फ राष्ट्रपति पद का अपमान है बल्कि देश के करोड़ों वंचित और आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।